सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि यार एकदम मस्त होंगे। अगर गाइस आप एक स्नाइपर लवर हो और स्नाइपर के अंदर अपने गेम प्ले को एकदम गोल्ड लेवल बनाना चाहते हो तो गाइस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 7 ऐसे प्लेयर का कस्टम एचयूडी दिखाने वाला हूँ जो कि यार स्नाइपर के गोल्ड माने जाते हैं। एंड इनका कस्टम एचयूडी सबसे यूनिक है एंड स्नाइपर को चलाने का जो तरीका है, टेक्निक है, वो भी सबसे अलग है। तो गाइस आप भी इनके कस्टम एचयूडी और टेक्निक को फॉलो करके अपने गेम प्ले को इनके जैसा बना सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत ही मजेदार एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है? तो गाइस जो हमारा पहला कस्टम एचयूडी आता है ये है गाइस XFF का, एंड ये बंदा मोरक्को से बिलोंग करता है एंड ये इस वीडियो का सबसे यूनिक प्लेयर है। क्यों? क्योंकि गाइस ये स्नाइपर को सबसे अलग स्टाइल से चलाता है। ये स्नाइपर से वन शॉट मारता है, जैसे गाइस आप डेजर्ट ईगल या फिर शॉटगन से वन टैप हेडशॉट मारते हो, वैसे गाइस ये स्नाइपर से वन टैप हेडशॉट मारता है। आप यहां पर बैकग्राउंड में देख सकते हो कि ये कैसे वन शॉट मार रहा है। तो यही चीज इस प्लेयर को सबसे यूनिक बनाती है एंड स्नाइपर को एकदम अलग फील दिलाती है। तो गाइस अगर आप भी XFF की तरह वन शॉट मारना चाहते हो तो आप XFF के कस्टम एचयूडी को फॉलो कर सकते हो। एंड आप यहां पर देख सकते हो XFF का कस्टम एचयूडी कुछ इस तरह का है। यहां पर गाइस जो मेन चीज है स्कोप बटन एंड लेफ्ट फायर बटन, ठीक है, मेन है लेफ्ट फायर बटन यहां पर रहता है। एंड वो इस बटन को कैसे यूज करता है आपने हैंड कैम में देख ही लिया होगा या फिर आप उनके चैनल पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड कस्टम एचयूडी आता है ये है गाइस नाजिम गेमिंग का, और ये बंदा इंडिया से ही बिलोंग करता है और काफी ओपी स्नाइपर चलाता है। एक टाइम था जब गाइस ये बंदा लो एंड डिवाइस में खेलता था और उसमें भी काफी ओपी स्नाइपर चलाता था। एंड आप यहां पर बैकग्राउंड में क्लियरली देख सकते हो इनका गेम प्ले काफी ओपी है। तो गाइस अगर आप नाजिब गेमिंग की तरह स्नाइपर को चलाना चाहते हो तो आप इनके कस्टम एचयूडी को भी ट्राई कर सकते हो। तो नाजिब गेमिंग का कस्टम एचयूडी बहुत ही सिंपल सा है, वो अपनी थर्ड फिंगर से स्कोप बटन एंड क्विक वेपन स्विच बटन को यूज करता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड कस्टम एचयूडी आता है ये है गाइस निंजा वाईटी का। मुझे पता है कि आप इस बंदे को नहीं जानते होंगे बट ये बंदा इंडिया से ही बिलोंग करता है और काफी ओपी स्नाइपर चलाता है। आप यहां पर बैकग्राउंड में क्लियरली देख सकते हो इसका गेम प्ले काफी ओपी है स्नाइपर के अंदर। एंड इस बंदे का जो स्नाइपर चलाने का तरीका है वो सबसे यूनिक है, और ये बंदा फोर फिंगर प्लेयर है। अगर गाइस आप पहले से फोर फिंगर प्लेयर थे तो आपके लिए निंजा वाईटी का कस्टम एचयूडी एकदम बेस्ट रह सकता है। आप यहां पर देख सकते हो, तो गाइस निंजा वाईटी का कस्टम एचयूडी कुछ इस तरह का है। सबसे नीचे स्कोप वाला बटन है एंड ऊपर है लेफ्ट फायर बटन एंड बाकी सब तो सेम है, एंड राइट साइड में क्विक वेपन स्विच बटन रहता है, ठीक है। तो गाइज इसके बाद जो हमारा फोर्थ कस्टम एचयूडी आता है ये है गाइज एपी इज हियर का। जी हाँ गाइज, ये बंदा इंडिया से ही बिलोंग करता है और ये एक ई स्पोर्ट प्लेयर है, तो भाई काफी अच्छी बात है, आपको इस बंदे से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये अपनी टीम का एक बेस्ट स्नाइपर माना जाता है एंड आप यहां पर बैकग्राउंड में भी देख सकते हो ये काफी ओपी स्नाइपर चलाता है, और ये बंदा फोर फिंगर प्लेयर है, अपनी फोर्थ फिंगर से स्कोप बटन एंड सिट बटन को यूज करता है। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हो एपी इज हियर का जो कस्टम एचयूडी है कुछ इस तरह का रहता है। यहां पर रहती है ग्लू वॉल, उसके ऊपर रहता है क्विक वेपन स्विच बटन, और जो सबसे ऊपर है वहां पर रहता है लेफ्ट फायर बटन, और फोर्थ फिंगर से वो अपनी सिट बटन और स्कोप बटन को यूज करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ माय फेवरेट कोडिंग ऐप जो कि है क्यूरियस JR, जिसमें गाइस आप लोग बहुत ही आसानी से कोडिंग सीख सकते हो। एंड सबसे खास बात तो मुझे ये लगी, यहाँ पर आप लोग मोबाइल पर कोडिंग कर सकते हो। जी हाँ गाइस, अब लैपटॉप की जरूरत नहीं है, अब कोडिंग सीखने के लिए महंगे वाले लैपटॉप नहीं चाहिए आप लोगों को। अपने मोबाइल पर ही डाउनलोड करे क्यूरियस JR ऐप एंड चालू करे अपना एप्स एंड गेम्स बनाना। एंड उसके साथ ही आपको यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा, मतलब सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि आप लोग हिंदी में भी सीख सकते हैं। यहाँ तक आप यहां पर खुद का ऐप एंड गेम्स बनाकर क्यूरियस JR ऐप स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हो, और तो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। ब्लॉक कोडिंग एंड जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, वो भी मोबाइल पर। ये है IITians का बनाया हुआ ऐप, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर, इसमें नहीं लगता है कोई भी पैसा। फ्री में बन जाओ कोडर, गेम खेलने के साथ सीख जाओ गेम बनाना भी। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, जाकर डाउनलोड जरूर करें। तो गाइज इसके बाद जो हमारा फिफ्थ कस्टम एचयूडी आता है ये है गाइज नेवी स्काईरिक्स का। ये बंदा कजाकिस्तान से बिलोंग करता है और ये भी एक ई स्पोर्ट प्लेयर है, जो अभी हमारा वर्ल्ड सीरीज 2021 हुआ था वहां पर गाइज इनकी टीम थर्ड पोजीशन पे आई थी, और थर्ड पोजीशन पे अपनी टीम को लाने में इस बंदे की बहुत बड़ी भूमिका थी। नेवी स्काईरिक्स अपनी टीम का एक बेस्ट स्नाइपर है, आप यहां पर देख सकते हो ये काफी ओपी स्नाइपर चलाता है। अगर गाइज आप इनके गेम प्ले को देखना चाहते हो तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है नेवी स्काईरिक्स, तो आप वहां पर
पर जाकर देख सकते हो। नेविस कायरिक्स एक फोर फिंगर प्लेयर है, तो इनका कस्टम एचयूडी कुछ इस तरह का रहता है। वो अपनी फोर्थ फिंगर से जंप बटन एंड स्कोप बटन को यूज करता है और थर्ड फिंगर से सिट बटन एंड लेफ्ट फायर बटन को यूज करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ कस्टम एचयूडी आता है, ये है गाइज लोरेम का। एंड आप लोरेम को तो एकदम अच्छी तरह से जानते होंगे, ये स्नाइपर के गॉड माने जाते हैं। जब गाइज आप इनका गेम प्ले देखोगे तो आप बोलोगे कि ये बंदा तो हैकर है, बट ये बंदा हैकर नहीं है, ये बंदा मोबाइल के अंदर स्नाइपर को एकदम हैकर की तरह चलाता है। और भाई साहब काफी ओपी प्लेयर है। अगर गाइज आप लोरेम की तरह बनना चाहते हो तो आप इनके कस्टम एचयूडी को फॉलो करके और इनकी टेक्निक्स को फॉलो करके अपने गेम प्ले को इनके जैसा बना सकते हो। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो लोरेम का कस्टम एचयूडी कुछ इस तरह का रहता है, काफी यूनिक कस्टम एचयूडी है। इनका मेन फायर बटन सबसे ऊपर रहता है, उसके साइड में स्कोप वाला बटन रहता है एंड रनिंग बटन, सिट बटन और जंप वाला बटन राइट साइड में ही रहते हैं। बाकी गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद लोरेम एक दो और कस्टम एचयूडी में खेलता है, तो इसका जो दूसरा कस्टम एचयूडी है वो कुछ इस तरह का दिखता है। और इसके बाद एक और कस्टम एचयूडी है जो कि गाइज आप इनकी वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेवंथ कस्टम एचयूडी आता है, ये है गाइज वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर प्लेयर, यानी कि पहाड़ी गेमिंग। पहाड़ी गेमिंग के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये बंदा इंडिया से ही बिलोंग करता है और काफी ओपी लेवल की स्नाइपिंग करता है। पहाड़ी एक ई स्पोर्ट प्लेयर है और पहाड़ी को ऑफिशियली ग्रीना की तरफ से 2020 का स्नाइपर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो भाई आप समझ सकते हो कि पहाड़ी कितना खतरनाक स्नाइपर चलाता है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो पहाड़ी गेमिंग का कस्टम एचयूडी बहुत ही सिंपल सा है। राइट साइड में जंप बटन एंड सिट बटन रहता है एंड लेफ्ट साइड में रनिंग बटन के साइड में स्कोप वाला बटन एंड उसके नीचे ग्लू वॉल वाला बटन रहता है एंड वो अपनी थर्ड फिंगर से लेफ्ट फायर बटन को यूज करता है। और गाइज जो हमारा क्विक वेपन स्विच बटन है वो सबसे ऊपर यहाँ पर रहता है, वो इस बटन को भी यूज करता है, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 7 कस्टम एचयूडी फॉर स्नाइपर प्लेयर। अगर गाइज आप इनमें से किसी प्लेयर के कस्टम एचयूडी को ट्राई करोगे तो आप कौन से प्लेयर के कस्टम एचयूडी को ट्राई करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। बाय बाय।